और गाइस इस साइड से कोको भी भौंकना स्टार्ट हो गई। तो भाई हमारे घर पे पैर उठा रही है और गाइस शायद इन्होंने इसमें बच्चे दे रखे हैं। और गाइस अब तो पूरी उछल कूद करने लगी वरना भाई बहुत ज्यादा बीमार होगी थी। एक बार जिन्ने में ऊपर जाओगी, एक बार भाई जिन्ने में से नीचे आओगी। और गाइस ये बच्चे देने वाली है। इस काले वाले की बैंड बजा दी भाई से व्हाइट वाले ने। तो गाइस ये है भाई वो पप्पी अमेरिकन बुल्ली का। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक। एंड और गाइस पीछे इन दोनों को भाई खाना रख दिया। और गाइस मौसम देखो भाई कितना कड़ा हो रहा बारिश के बाद। लग तो भाई थोड़ी सर्दी सी रही बट भाई ये है कि बढ़िया मौसम हो रहा है। नीचे रोक चुके भाई मेरे भाई ने खाना रख दिया, ऊपर नहीं आ पाती ना वो कोको की वजह से। नीचे भाई मेरा भाई उसके साथ खेलता रहा है और गाइस इसी वजह से मेरे भाई का ज्यादा लगाव करा हुआ, समझ रहे हो। और गाइस कोको भाई दो दिन से खाना मतलब चाची का नहीं खा रही। पहले भैया खाना छोड़ देती है, भाई दो दिन से खाना छोड़ रही है अभी और गाइस रोक। या तो भाई इस वजह से अच्छे से खाना नहीं खा रहे क्योंकि भाई देसी डोर नहीं रहा ना इन्हें भाई आदत थी तीनों को एक साथ खाना खाने की। रोको जी नहीं लग रहा उसके बिना नहीं। और गाइस रोक का तो बहुत पक्का दोस्त था वो, मतलब भाई सारे दिन रोक की साथ ही रहता। रोको तो भाई पूरी याद आ रही होगी मन मन में। कोको के साथ तो भाई फिर भी इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं था बट भाई रोक के साथ तो ये मन लो भाई सारे सारे दिन तो इसके साथ रहता, सारे सारे दिन इसके साथ भाई खेलना कूदा था। और गाइस कोको की एक चीज दिखाऊं, ये देखना भाई कितनी टॉपी गार्डिंग करा है कोको। उस बंदर 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 आगे बंदर बंदर आगे बंदर आगे, ये देखना भाई सीधे ऊपर जाओगे बंदर को देखने की कहां आगे। रोक भी जा लिया और गाइस इस साइड से कोको भी जा ली। बंदर का तो भाई लगा था नाम लेते तुरंत चले जाओ यहाँ पे क्योंकि इसे पता रहा यहाँ पे खड़े होगा बंदर को देख के वहां सामने से बंदर आ गए। कोको पूरा घर चेक कर का बंदर आ गए कहीं, आ जा उस जल्दी देखो जल्दी देखो उस उस। अब भाई छज्जे पर जाओगे देखो दोनों दोनों भोंकते हो वहां। खोल जल्दी गेट खोल जल्दी जल्दी देखो देखो बंदर आ गया। और गाइस इसका तो बंदर से ज्यादा डॉग्स पे और गाइस इंसानों सब पे ध्यान रहे भाई एक बार हाथ में आ जाए। और गाइस रोक तो भोंकना स्टार्ट भी हो गया क्योंकि नीचे बच्चे खड़े ना। हां भाई बच्चों ठीक हो। और गाइस इस साइड से कोको भी भोंकना स्टार्ट हो गया। और गाइस कोको का तो मुझे कभी कभी डर लग रहा है क्योंकि भाई रोक तो कुछ कहने का नहीं बट भाई कोको तो अटैक कर दिया थोड़ा। भाई मेरा आगे तो अटैक करने की नहीं बट भाई मेरे से पीछे तो भाई अटैक कर रहे हैं इंसानों के ऊपर भी। मेरे ऊपर अटैक करने को रही क्योंकि भाई इसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। और गाइस कुछ रोक को देख देख के सीख रही रोक भाई ना भोक रहा ना तो इसे लग रहा है कि अटैक करना उनके ऊपर मेरे ऊपर अटैक करना उनके ऊपर अटैक करना मान जा। कुछ भाई कोको के अंदर गार्डिंग ज्यादा है हल्का सा खड़ा सुनते पूरी एक्टिव हो जाए। वैसे तो भाई फ्रेंडली भी है बट भाई गार्डिंग वाली ज्यादा है, समझ रहे हो। वैसे तो भाई बच्चों से नॉर्मली मिला कुछ नहीं कहती किसी को काटती वाटती कुछ नहीं बट भाई ये है कि अगर कोई अचानक से आ जाए फिर भाई थोड़ा काम करते। तो गाइस अभी नीचे चलता हूं और गाइस रोक को लेकर जाऊंगा अपने साथ कोको को लेकर जाने का। कोको भाई यहीं पे गार्डिंग करेगी। और गाइस बंदरों का एक ही काम आवे और गाइस कपड़े उतार के भाग जावे वो तो शुक्र है कि हमारे घर पर डॉग्स है वरना भाई पूरे गांव में आतंक मचा रखा आजकल तो। ये तो भाई कोको बिचारी कोको रुक रुक तू ऊपर जा चल ऊपर बंदर भगा हुआ। और गाइस नीचे आते रोक्सी मिल गई ये घूम रही भाई। रोक्सी भाई दिन पर दिन समझदार होती जा रही, पहले तो भाई अटैक कर देती अब तो ऐसे ही पता चल गया कि हाँ आराम से मिलना। और गाइस रोक को तो सभी को पता ही है ये तो भाई बच्चों के साथ बच्चा ही बना रहे। रोक्सी मालिक कहाँ है तेरा, आई मीन मेरा भाई कहाँ है, चल मेरी बाइक दो 10 रुपए दूंगा। और गाइस अपनी बाइक की हालत दिखाऊं कितनी बुरी हो रही है तो भाई बाइक भी धोनी मुझे। ये देख लो भाई क्या बैंड बजा रखी मैंने सी कुछ तो भाई बारिश का मौसम हो रहा इस वजह से भाई गंदी हुई पड़ी कुछ भाई काफी दिनों से नहीं बिचारी हाथ भाई से भी साफ करना। इस कुछ मेरी बाइक की बैंड ये दोनों बजाते हैं रोक और कोको मिलेगा ये तो भाई दोनों इसी के ऊपर बैठ के चल रहे। मेरी बाइक तो मेरी कम कुत्तों की ज्यादा हो रही कुत्ते बैठ के चल रहे पाक गए दो बह कैसे अच्छे से साफ कर दे। देख लो भाई वो तो ऐसा एक बार कहा था तुरंत उठ गया बाइक लेकर चल दिया बाहर। ओए तारीफ करी मैंने तेरी थैंक यू तो बोल दे यहाँ को तो देख थैंक यू बोल जल्दी तो अभी तो ठीक है। और गाइस रोक मन मन कह रहा होगा खूब साफ कर ले मैं फिर भी गंदी कर दूंगा क्योंकि भाई कोई दिन ऐसा जाता जिस दिन भाई रोक इसके ऊपर बैठ करना चलता हो कोई एक आधा ही दिन जाता होगा वरना भाई रोज इस पर बैठ घूमना जाओ कहीं ना कहीं। चल गया मोटर रोकू ना होगा तू भी नहीं लकड़ी गिर रखी गिरी पटवानी पड़े इनसे। और गाइस मेरे बैग में हमेशा लकड़ी वकड़ी पट्टे वट्टे हमेशा पड़े रहे क्योंकि भाई रोक का पता नहीं चलता कब कहां फाइट हो जाए। और गाइस पटे गलती से फाइट होती हो बट भाई कभी कभी हो जाए कि गुट बज जाए फिर भाई कम से कम अपने पास हथियार तो होने चाहिए गिरी पटवाने को। बात तो सही है क्योंकि भाई ऐसा वैसा तो गिरी छोड़ता नहीं गिरी पटवानी मुश्किल हो जाए इसकी। और गाइस अगर किसी को अपनी बाइक वाइक साफ करवानी हो तो गाइस कॉन्टेक्ट करना भाई तेरा कुछ अता पता तो गाइस इसे घर से उठा के ले जाना। हाँ भाई कितना टाइम लगेगा यार ये तो बड़ा सलूली काम करता है इसे नौकरी वैसे हटाना पड़ेगा। और गाइस सामने देखो भाई हमारे घर पे पैर उठा रही है देखो भाई। और गाइस शायद इन्होंने इसमें बच्चे दे रखे ये देखना भाई मैं काफी दिनों से देख रहा है ना इसके अंदर घुसा है। और गाइस कुछ खाने पीने का सामान लेखा है शायद जोड़ा होगा इनका कितने क्यूट लग रहे हैं भाई। और गाइस एक बार मेरा मन बना था ना पालने का बट भाई फिर सोचता है आजाद घूमते हुए ज्यादा अच्छे लगे देखना भाई कितने टॉप लग रहे बैठे हुए। और गाइस पैरट वगैरह उड़ते हुए ज्यादा अच्छे लगे देखना भाई कितने टॉप लग रहे अगर भाई ने कैद कर लेंगे भाई क्या फायदा। और गाइस आज लैमी के पास चलते हैं लैमी की भाई थोड़ी तबीयत अच्छी खराब हो रही है उसके भाई ड्रिप वगैरह चढ़ रही दो दिन से अब भाई थोड़ा आराम है तो गाइस उसका पता लगाते हैं। बट भाई सामने देखो कितना कड़ा भी गिना गया ये देखना भाई भाई कहीं पर रोकनी पड़ेगी यहाँ पर तो भाई डूब जाऊंगे। तो गाइस अभी बाइक को पीछे
खड़ा कर दिया। और गाइस पैदल पैदल ही चलते हैं, कोई बाइक ना उठा कर ले जाए, गिर ना जाइए भाई, मेरे साथ ही बैठ कर जाना, मैं जब भी गंदा करा। और गाइस आते भाई लैमी तो मिल गई लैमी तो, बट भाई पिंजरे के अंदर बंद कर रखी, इसका ओनर पता नहीं कहाँ पे है। और गाइस बीमार हो रही है भाई, दो तीन दिन से ड्रिप वगैरह छिट रही है रेगुलर। और गाइस थोड़ी देर में से बाहर निकाल लेंगे, देखो भाई कैसा गंडाई ले रही। और गाइस इस साइड देखो भाई, घर के पीछे जोड़ी है। और गाइस ये सामने भाई मैदान लग रहा होगा, बट भाई दलदल है, अगर इस पर किसी ने पैर रख दिया ना शिवम, जाए ट्राई करिए पब्लिक को दिखाना कि क्या होगा। क्या बोला तूने? फिर तो बस दिख गया, मैं ही दिख जाऊं यार। तो गाइस लैमी का ओनर आ लिया कुदम्मा। और गाइस लैमी के लिए वैसे भाई प्रॉपर स्पेस है यहाँ पे, घेर में खुली छोड़ दे, मतलब कूद दे फिर सारे काम करे। अरे एक बार उसमें दलदल में कूद कर दिखा दे, मैं पब्लिक को दिखाना कि क्या होगा। यार मैं अभी जो है स्विमिंग कर नहीं सकता, गर्मियों में इसमें नहीं नहाता गई। लैमी को बाहर निकालते हैं, निकालिए रे से बाहर निकाल। आजा भाई आजा, बिल्कुल ठीक हो गया भैया। और गाइस देखो भाई बाहर आते कैसे एक्टिव होगी एकदम से। चलो भाई ये तो शुक्र है ठीक होगी। अरे वाह बाहर भागी सीधी। और गाइस इसे सामने स्कूल में जाने की आदत है, वो सामने स्कूल है ना भाई, इसके अंदर ही खेला कूद है। देखना भाई कितनी सुंदर लग रही, बिल्कुल घोड़ी सी लग रही, जैसा व्हाइट घोड़ी हो। और गाइस अब तो पूरी उछल कूद करने लगी, वरना भाई बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, दो तीन दिन तक इसका बाइड ट्रिप वगैरह लगी, अब तो भाई पूरी उछल कूद कर रही देखना। तो गाइस अब लैमी को लेकर ऊपर आ गए छत पे, सामने सारा का सारा स्पेस भाई लैमी के खेलने कूदने का ही। यहाँ से भाई सीधी लैमी की जाओगी स्कूल में, और गाइस यहाँ पे पूरी मस्ती करे, मतलब भाई कूद के नहीं जाती कभी भाई, ये समझ रहे हो कि यहाँ से सीधी कूद कर जाए नीचे को जाए भाई, हमको सिखा रहा है। ओ भाई साहब कटिंग वगैरह देखो भाई कितनी ज्यादा दिख रही इसकी। और गाइस वो तो भाई बीमार हो रही, इस बार पूरी तैयार कर दे। और गाइस किसी दिन कोई भाई कोको से मिलवाऊंगा, बस भाई मुझे इस चीज का डर हो रहा है भाई कोको के साथ इसकी बजे ना जाए, रोग के साथ तो भाई देखो इसकी बजती नहीं, बट भाई कोको के साथ थोड़ी दिक्कत हो सके क्योंकि भाई फीमेल फीमेल की क्या पता गड़बड़ हो जाए। सही कह रहा है वैसे भाई, डॉग्स का नजर लगा क्या पता इसके भाई नजर लगी हो। और गाइस वैसे भाई व्हाइट रंग बढ़िया तो लगा, बट भाई व्हाइट रंग का एक साइड इफेक्ट है, वो भाई इसका ओनर ही बताओ क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट बता व्हाइट कलर क्या क्या लगे। गंदी हो जाएगी, सही कह रहे क्योंकि भाई जब मेरे पास जो रहा थी ना हल्की सी मिट्टी लगती भाई पूरी ब्लैक ब्लैक हो जाती, अब तो भाई देखो बिल्कुल नाद होगा बिल्कुल फिट है, अगर भाई से थोड़ी बहुत दूर तक मिट्टी में घुमा फिरा खिलाऊंगे ना पूरी गंदी हो जाओगी। तो गाइस अब इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, और गाइस इसकी एक्सरसाइज करवाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है जो भाई ने सिखा रखा, एक बार जिनने में ऊपर जाओगी एक बार भाई जिनने में से नीचे आओगी। अरे वाह इस मामले में तो भाई पूरी फुल ट्रेंड कर रखी, ये देखना भाई। और गाइस इसी वजह से कटिंग वगैरह आ रही है क्योंकि भाई जिनने में ज्यादा है उछल कूद करने से कटिंग वगैरह निकला डॉग्स की, बहुत बढ़िया ये देखना भाई। और गाइस उस दिन तो देखो फुटबॉल के साथ खेल रही थी ऐसे जिनने में, आज तो भाई बिना फुटबॉल के ही जंप कर रही, ये देखना। रोज करवाया करे भाई तू ऐसा कभी कभी, अगर तुझे एक हफ्ता रोज करवा देगा ना फिर देखे देख इसकी कटिंग। इस बार एक काम कर, एक महीने से बढ़िया टाइट दे और ऐसे ही इसकी एक्सरसाइज करवा, फिर देखे कितनी टॉप कटिंग आओगी निकल गए। और गाइस फीमेल के अंदर एक्टिवनेस ज्यादा हो गई मेल के मुकाबले, ये देखो कितनी ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि जो भाई मेरी कोको हुई, कोको भाई रोग से बहुत ज्यादा एक्टिव है। और गाइस इतने में देखो बॉडी कितनी ज्यादा पंप हुई, कटिंग वगैरह दिखनी स्टार्ट होगी, ये देखना भाई कितना टॉप लुक दे रही। नेचर भाई सबसे मेन हो गया इनका, नेचर भाई बिल्कुल समझदार वाला है। और गाइस लैमी और रोग की सभी को पता भाई कितनी टॉप की जोड़ी जमे, इन दोनों की तो भाई बहुत तकड़े वाली दोस्ती है। तो गाइस बहुत होगी उसकी चल कूदा भाई से दोबारा से अंदर बंद करते हैं। तो गाइस अभी एक दोस्त के पास और चलते हैं, जर्मन शेफर्ड की फीमेल है, एक बार भाई बहन ने यहीं पे एक मेल डॉग को दिखा था, उस मेल डॉग की बहन है। तो गाइस ये भाई वो जर्मन शेफर्ड की फीमेल देखना भाई, वैसे तो भाई हाइट वाइट तो कम है मेल के मुकाबले, उस वाले मेल की तो भाई ज्यादा हाइट थी। नाम क्या है भाई इसका? डॉक्सी। डॉक्सी डॉक्सी फ्रेंडली है पूरी। और गाइस देखना भाई बिल्कुल फ्रेंडली है, चलो भाई ये तो शुक्र है, वरना भाई अटैकर हो जाए बहुत सी। तो गाइस अभी एक के दोस्त के पास और चलते हैं, उसके पास एक पिटबुल का मेल है, उसकी भाई वाइट आंख है, वो दिखाते हैं भाई चल गए। इस बाइक बहुत देखभाल का चलानी पड़ रही है, अगर भाई गिर गए ना थिन काले पीले होकर जाओगे। यहाँ पर देखो भाई कैसे मंडली जम रही डॉग्स की। और गाइस यहाँ पर आते देखो भाई कितनी टोपी घोड़ी मिल गई देखने को, रहा हुआ व्हाइट कलर की है। और गाइस देखो भाई नुकरी है भाई। और गाइस एक घोड़ी है रही भाई अंदर, ये उसी घोड़ी की बच्ची है भाई देखना भाई। और गाइस मैंने तो सुना था घोड़ी कभी बैठती नहीं है, तो बैठी थी, बैठ जाए क्या भाई घोड़ी? अच्छा अच्छा इस वजह से बैठी थी। तो गाइस अब दिखाते हैं कपड़ा उतार रहे, 13 महीने की देखना, वो भाई सॉफ बिल्कुल व्हाइट है। और गाइस देखने में देखो भाई कितनी टॉप लग रही है व्हाइट कलर में, बढ़िया लगे। सबसे मेन भाई इसकी एज अभी तो भाई और भी ज्यादा ग्रोथ करेगी। अरे वो आंख देखो भाई कितनी टॉप लग रही व्हाइट आंख में, और गाइस बोले तो। और गाइस इसकी आंख ब्लैक है, उसकी भाई थोड़ी व्हाइट थी, बट भाई ये ब्लैक है। और गाइस ये बच्चे देने वाली है, कितने टाइम बाद देगी? एक महीने बाद। और गाइस ने देखा तो भाई मेरा मन कर रहा घोड़ी पाल लें, कोई नहीं भाई नहीं फ्यूचर का बिना कभी तो पाल लेंगे। तो गाइस अभी वो पिटबुल भी आ गया, और गाइस इसकी आंख देखो भाई व्हाइट आंख है, और गाइस बहुत ज्यादा डेंजर है, बट भाई स्केयर वगैरह क्रॉप नहीं हो रहे। एज क्या होगी इसकी? 8-9 मंथ का। और गाइस 8-9 मंथ का हो गया, बट भाई पूरा एग्रेसिव है। और गाइस ओनली घर घर वालों को छोड़ दे, और तो भाई सभी के ऊपर अटैक करे तो भाई हमारे ऊपर एग्रेशन कर रहा पूरा, वैसे तो भाई मना कर रही है। और गाइस देखो बिल्कुल हाथ वात लगा रहे मुंह पे, बट भाई अगर हम पास जाओगे मतलब भाई छोड़ने का भी नहीं, खत्म हाँ जा रहे। तो गाइस अभी वहां से तो आगे क्योंकि भाई उस पिटबुल से थोड़ा डर लग रहा था, उसने भाई दो तीन अटैक कर रखे।
क्या बोला तूने? इस वजह से भाई क्या पता क्या गड़बड़ कर देता। और गाइस अभी वापस जाने से पहले एक और मेल डॉग दिखाते हैं, क्योंकि भाई सीधे घर के बाहर आ गए। वो तो भाई वीडियो बनाते बनाते मुझे दिख गया, वो सामने बुग्गी बैठा ना, वो भाई वो है जो भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये देखो भाई कैसा बुग्गी बैठा हो भाई साहब। और गाइस इसके अंदर इतना एग्रेसन है ना भाई, बहुत ज्यादा है। वो तो आज भाई का मालिक नहीं है, वरना भाई अंदर जाकर दिखाते इसे। ओ भाई साहब हो गया भाई, वो तो खड़ा वापिस, चलो भाई तो खड़ा हो गया अटैकिंग पोजिशन में आ गया। तो गाइस अभी लैमी के पास जाने से पहले फिर से भाई एक दोस्त के पास चलते हैं, जिसके पास गप्पी है ना भाई, वो व्हाइट फेस की फीमेल, वो भाई बिल्कुल फ्रेंडली है, उसके पास चलते हैं, उसके पास जाने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आ गए भाई गप्पी के पास, बट भाई तो बिल्कुल फ्रेंडली है। चलो भाई इतने एग्रेसिव पिटबुल देखने के बाद फ्रेंडली पिटबुल देखकर थोड़ा शांति मिल रही। और गाइस ये बच्चे देने वाली है, एक महीने बाद बच्चे देगी भाई, ये क्यूट क्यूट से। अब से पहले भाई मैं ऐसा दो तीन बार मिला, ये देखो भाई कैसे आ गई मेरे पास, जानेगी भाई इतने भाई। और गाइस सामने देखो भाई इसके टायर वायर लटका रखे, इस पर भाई की प्रैक्टिस करवाए। और गाइस इसे भाई प्रॉपर टाइम देते रहे, इस वजह से भाई बिल्कुल फ्रेंडली है देखना भाई। और गाइस इसका फादर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जो उस दिन दिखाया था ना व्हाइट फेस का था, पीछे से एलिफेंट कलर में था, वो भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, बट भाई तो बिल्कुल शांत है। और गाइस उसका फेस बिल्कुल ऐसा ही है, बस भाई पीछे से एलिफेंट कलर में है, या भाई पीछे से थोड़ा ब्रिंडल कलर में है। गाइस अब एक के दोस्त के पास और आगे गप्पी के पास सब मिलेगा। और गाइस यहां पे आते देखो भाई कैसे एग्रेशन करने लगे सामने से डॉग, भाई साहब पिटबुल की लाइन लग रही है। घूम फिर वापस लैमी के पास आ गए, भाई साइड हमारी लैमी। और गाइस इतने सारे पिटबुल वगैरह देखे, बट भाई अब तक तो मुझे लैमी बढ़िया लगी। एक तो भाई गप्पी ठीक लगी, एक भाई लैमी ठीक लगी, नेचर वाइज कह रहा मतलब, समझ रहे हो। तो गाइस अभी लैमी का ओनर हमें अमरूद खिलाने के लिए लेकर जा रहा। और गाइस इसी रास्ते में हमें वो ग्रेहाउंड का डॉग मिला था उस दिन, अगर भाई आज वो डॉग मिल गया तो गाइस उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई उस दिन तो मैं अकेला पड़ गया था ना, तो भाई तीनों शिकारी हो गए। अरे कुछ नहीं काटने का, पकड़ेंगे तो गाइस अगर मिलेगा। अरे कच्चे अमरूद खिलाने लाया गया, ये तो कितने मीठे अमरूद है। तो गाइस दिखने में तो कच्चे बट भाई बहुत मीठे है, कभी आओ तो भाई ट्राई करना। तो गाइस अभी एक अमेरिकन बुल्ली का पप्पी सेल करा भाई ने, तो गाइस कस्टमर आने लग रहे लेने के लिए। तो गाइस पप्पी दिखाते हो, और गाइस चलेगा आप लोगों को भी दिखाते हैं भाई कौन सा पप्पी है। तो गाइस अभी सामने खेत में देखो भाई, वो अकेला दाब रखा बेचारा। और गाइस आज तो भाई स्ट्रीट डॉग का पूरा वो देखने को मिल रहा है, रोदर रूप देखना भाई, इस बेचारे को तो भगाई देना सारे ना मिल गए। तो गाइस ये है भाई वो पप्पी अमेरिकन बुल्ली का, देखना भाई क्वालिटी वगैरह। और गाइस बिल्कुल हैवी बच्चा है ये, देखना भाई एक हाथ में तो अभी ना अच्छे से। तो गाइस इस साइड से भाई लैब्रा की फीमेल भी आ गई, और गाइस आते देखो कैसा खेलने लगी इसके साथ, ओ भाई साहब। और गाइस लैब्रा की भाई यही खासियत हो भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो गाइस देखना भाई क्वालिटी वगैरह। और गाइस सिंगल यही पप्पी रह रहा, और सारे सारे सेल हो गए। हाँ भाई ले लिया, कर लिया फाइनल। एक बार हाथ में आ जाए तो गाइस अभी भाई कुछ खाने पीने के लिए आए थे। और गाइस यहाँ पे देखो भाई ढाबे के पास कैसे क्यूट क्यूट से पप्पी बैठे, ये देखना भाई कितने क्यूट क्यूट से पप्पी भाई लोट लगा रहे। ओए ओ भाई ने की मतलब भाई यहीं पे है, कभी भाई मेरे ऊपर अटैक कर दे। ओए हाँ भाई क्या करना मैं तुम्हारा, ओ भाई मोह ली, ओ भाई बुड़का भर ले गया। तो गाइस अभी पूरे दिन से भटकते भटकते वापिस आ गए लैमी के पास, जो व्हाइट कलर का मेल है ना, जो भाई यहीं पे रहे घर के आसपास वो दिख गया। ये देखो भाई कैसे घूम रहा पूरे स्कूल में, ओ भाई साहब बिल्कुल लैमी के जैसा लगा, बट भाई ये पिटबुल है, लैमी अमेरिकन बुल्ली है। और गाइस देखने में तो ऐसा लगा जैसे अटैक करने वाला, बट भाई वो अटैक नहीं करता, अब से पहले दो तीन बार मिल गया, वॉक वॉक सब ऐसी है जैसे अटैक कर देगा, बट भाई ऐसे खुला घूम रहा देख लो। तो गाइस अभी सामने से लैमी भी आ गई, देखो भाई आते सबसे पहले टॉयलेट कर रही, लैमी आ जा यहाँ पे आ जा। और गाइस मेरे तो भाई फोन की बैटरी भी बिल्कुल डाउन होगी, क्योंकि भाई सुबह से शाम होगी भाई ऐसे ही घूमते घूमते। आली भाई देखो सीधी मेरे पास आ गई, लैमी ठीक है तू? और गाइस वीडियो के एंडिंग आज लैमी के साथ ही करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में भाई सब्सक्राइब और कर देना। और गाइस वो वाला देखो भाई व्हाइट वाला मेल कहाँ जा रहा, वो साइड जा रहा भाई, थोड़ी देर में दोनों ऐसे मस्ती करेंगे अपनी।